स्टूडेंट्स बेटा हमने चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट सेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती कैसे है उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके लास कौन कौन सी हैं। ठीक है, लास के बाद हमने पढ़ा कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है बेटा, वो इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन था जो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम स्फेरिकल मिरर्स। कर्व सरफेस
सरफेस इज ये एक ऐसा मिरर जिसकी आउटर कर्व सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्टिव हो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा कन्वेक्स मिरर। बेटा सारी डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर लिखी हुई है, ठीक है, आप यहां से कर सकते हैं। अब बेटा इसके अंदर जो मेजर होगी इमेज की, इसके अंदर बेटा रियल एंड वर्चुअल, बेटा यहां पर होगी इमेज की नेचर वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर इसका डिफरेंस है जो आपको बेटा याद होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता है कन्वेक्स मिरर क्या होता है। पहला डिफरेंस तो आपको ये याद करना है कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो इनर कर्व सरफेस है, अगर मैं आपको मिरर बता दूं ये मिरर है इसका जो इनर पार्ट है ये वाला, अगर ये रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है, यानी यहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे ऐसे टाइप का क्या नाम देंगे बेटा कॉनकेव मिरर। और दूसरा मिरर कौन सा है, ऐसा मिरर इसकी जो बाहरी वाली सरफेस है यानी ये वाली सरफेस जो है ये रिफ्लेक्ट हो, इससे यानी रिफ्लेक्शन हो तो बेटा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे कन्वेक्स मिरर। तो उसके बाद आपने इमेजेस भी याद करना है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज जो है वो कौन सी बनेगी, इनर रियल एंड वर्चुअल, और जो इसके अंदर है कन्वेक्स मिरर के अंदर कौन सी बनेगी बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए वो ये कह रहे हैं कि स्पेक्टल मिरर है तो आप इसे स्फीयर ड्रा कर लिया, एक सर्कल ड्रा कर लिया बेटा। अब आपको पता है कि इस सर्कल के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, आपको ये पता है बेटा कि हर सर्कल का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसे हम रेडियस का नाम देते हैं, सर सेंट्रल लाइन सर्कल लाइन का पॉइंट, ठीक है। बेटा इस पॉइंट को नाम देते हैं पोल का, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसे हम क्या नाम देंगे बेटा ओ, तो इसका आप उसको नाम दे दें पी के नाम से रिकॉर्ड कर लें, ये हो जाएगा ओ, ठीक है बेटा। इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, इसको आप क्या नाम देंगे, इसको बेटा वर्टेक्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल ग्लास, यानी स्पेरिकल ग्लास का जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा पोल, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप यहाँ से देखिए यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा रेडियस, लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में आप इसे नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि इसको बेटा क्या नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा रेडियस जो कि सेंट्रल पॉइंट से हो उसको हम क्या नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की आप डेफिनेशन लिखी हुई है, जो ये वाला पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का इसके अंदर आपको एक मिड पॉइंट नजर आ रहा होगा, इस मिड पॉइंट को आप जो नाम देते हैं समझ बेटा, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस पॉइंट को बेटा क्या नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला बेटा इसको हम नाम देंगे पोल का, इसको बेटा क्या नाम देंगे पोल का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोल क्या होता है और बाकी मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है बेटा। सेंटर सेंट्रल पॉइंट जो होगा उसको नाम देंगे सेंट्रल कर्वेचर, और जो कर्व सरफेस है ये वाला कर्व सरफेस है इसका
पास नहीं है वाला यहां से लेके यहां तक, तो इसका जो मिड पॉइंट है बेटा ये क्या कहलाएगा, स्फेरिकल फॉल कहलाएगा। और जो इस सर्कल का पूरे स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब जो इसमें जो रेडियस बनेगा यहां से लेकर यहां तक जो लाइन होगी वो क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये रेडियस की फॉर्म है तो इसको हम क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्वेचर का ही रेडियस हम यहां पे गिवन है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम और कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। अभी तक हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस की है उनमें पहले कोर डिस्कस किया हमने, ठीक है बेटा कोर। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हमने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ा बेटा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस। बट प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो आपस में लाइन मिला रही है, इस लाइन को क्या नाम देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये वाला जो पोल है इसके दरमियान जो लाइन है जो इसे ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। उसके बाद जो मेन टर्म यहाँ पे आ रही है वो है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रिंसिपल फोकस के अंदर होता है कि सपोज ये वाला पर कंकेव मिरर है, यहाँ पर रेज आ रही, रेज रिफ्लेक्ट होके वापस एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट है होके रेज वापस एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाती है बेटा, इस पॉइंट को नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पे एक रे टकराने के बाद, बहुत सारी रे टकराने के बाद एक पॉइंट पर आके मीट करती है, मिल जाती है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि रिफ्लेक्शन होने के बाद तमाम रेज एक पॉइंट पर आके जमा हो जाती है, वो पॉइंट जहाँ पर रेज आके जमा होती है ऐसे पॉइंट को नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बेटा। कह रहे हैं कि एक ऐसी अगर लाइट रेस रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर आगे जमा होने, जैसे ये सारी रेस यहाँ पर लाइट टकराने के बाद इस पॉइंट पर आगे आगे मीट कर रही है, तो इस पॉइंट को बेटा क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बेटा। ये प्रिंसिपल फोकस दो तरह के हो सकते हैं, ये कहीं तो मैंने पढ़ लिया ना कि एक पोर्स है कंकेव मिरर के, ऐसा ही जो प्रिंसिपल फोकस का फिनोमिना है ये किसके अंदर आएगा, कन्वेक्स मिरर के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसकी जो आउटर सर्फेस है आउटर सर्फेस क्या बेटा, ये रिफ्लेक्टिव है, जब बेटा इसकी आउटर सर्फेस रिफ्लेक्टिव होगी तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कैसे पड़ेगा, तो समझिए यहाँ पर लाइट आई, ठीक है, लाइट आई तो ये क्या करेगी, अपने कुछ ना कुछ इंसिडेंट शो करेगी। तो आप अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारी लाइन यहाँ पर आके मीट करती है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, इनके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट होती है। आप कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो रिफ्लेक्शन हो रही है कन्वेक्स मिरर के अंदर,
प्रिंसिपल फोकस को कन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रही है, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। जो अगर आप बात कर लें जैसे पहले मैंने कहा कि कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, तमाम रेज इस पॉइंट पर आके जमा हो रही है, तो जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के बिल्कुल सामने बन रहा है। लेकिन जो प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का है वो क्या बन रहा है बेटा, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बन रहा है। तो ये प्रिंसिपल फोकस के दो टाइप्स हैं, एक है कन्वेक्स मिरर के लिहाज से, दूसरा कौन सा बेटा, कनकेव मिरर के लिहाज से। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म याद करेंगे कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के अंदर क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक डेफिनेशन है वो फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ से मुराद के सपोज यहां पर ये मैं बात कर रहा हूं कनकेव मिरर की, ये हमारा क्या पॉइंट था, प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या था बेटा, पोल। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और पोल का, ये नाम देंगे इसे फोकल, इसे बेटा नाम देंगे फोकल लेंथ का। और जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ये होता है एफ इज इक्वल टू आर ओवर टू। क्लियर बेटा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का, और इस फोकल लेंथ को हम शो करते हैं एफ के साथ, और इसका फॉर्मूला है आर ओवर टू। तो बेटा यहाँ पर जो दो चीजें डिस्कस की हैं वो है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और इसके साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो बेटा प्रिंसिपल फोकस में दोबारा रिपीट कर दूँ कि लाइट जब आती है टकराने के बाद वो एक पॉइंट पर आगे जमा हो जाती है, ऐसे पॉइंट को नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की दो तरह के हो सकते हैं, कन्वेक्स मिरर के अंदर भी हो सकते हैं, कनकेव मिरर के अंदर भी हो सकता है। अब जो कन्वेक्स मिरर है उसके अंदर जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और जो कनकेव मिरर है उसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। उसके बाद हमने बात की कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल फोकस टू द पोल, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का नाम देते हैं। और बेटा इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू आर ओवर टू। जो बेटा हमने यहाँ तक आज डिस्कस करना था, इसके अंदर हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, और उसके बाद हमने एक चीज डिस्कस की कि फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बेटा हम कल पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इसके मजीद आगे डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो बेटा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो आप बताएंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास पहला रिफ्लेक्शन होती है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर दो टाइप्स ऑफ, मैंने लास्ट में बताया कि आपको अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप वो कर लीजिएगा। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर को बताएंगे, और उसके बाद पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। बेटा यहाँ पे कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेटा ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपने एज ए होमवर्क आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह आपको बाकी जो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ ले। तो मैंने आज जो चीज़ें डिस्कस की मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि आज जो चीज़ें मैं डिस्कस की हैं उनमें प्रिंसिपल फोकस, स्पाइकल मिरर, उसके अंदर पोल पड़ा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर है, स्पाइकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या कहलाता है बेटा, ये पोल है। ठीक है, और जो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है ये वाला, उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप इसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होना ना कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फीयर का सेंटर है, और पोल जो है वो सिर्फ इस कर्व सरफेस का है, क्योंकि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मिरर है तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसके दरमियान उसके बाद में पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का रेडियस कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस लाइन चाहिए ना, पोल है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस जहाँ पर लाइन मिलती है, मीट करती है आपस में आगे, उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के दोनों के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं।
उसके बाद हमने पढ़ा कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। और इसको एक्स